YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 26 जुलाई के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन 23rd जुलाई 2022। हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं हर साल 23rd जुलाई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ऑन 23rd जुलाई 1927 में हमारे इंडिया में पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, और ये कहाँ से हुई थी? बॉम्बे स्टेशन से। बाद में बॉम्बे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। इन 1936 बाद में फिर ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज कर 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। फिर आकाशवाणी 1997 में एज अ प्रसार भारती की तरह सामने आई, और अब प्रसार भारती दो पार्ट्स में काम करती है, एक तो दूरदर्शन और एक ऑल इंडिया रेडियो। इस समय प्रसार भारती के चेयरमैन हैं मयंक कुमार। ट्वेंटी थर्ड जुलाई को तो हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मनाते हैं, 23rd जून को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। फर्स्ट जुलाई को डॉक्टर्स डे, 11th जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाते हैं, और 4th जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव वेरीफाइड हर घर जल वाटर, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। आपको याद होगा कि ऑन 15 अगस्त 2019 आर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड वन मिशन, दैट इज हर घर जल जीवन मिशन। और ये उन्होंने अनाउंसमेंट की थी फ्रॉम रेड फोर्ट, और उन्होंने टारगेट रखा था कि 2024 में हर घर में जल उपलब्ध होगा अप टू 250 मिलीलीटर। और पहला राज्य जो जिसमें हर घर जल मिशन को उपलब्ध करने वाला राज्य बन गया था वो बना था गोवा। और इसी तरह जितने भी बुरहानपुर के जितने भी विलेजेस हैं 250 के आसपास, उस हर जिले के विलेज में अब पानी वेरीफाइड है और हर घर में पानी उपलब्ध हुआ है। और ये मिशन किसके अधीन चल रहा है? आर वाटर मिनिस्ट्री, जो गजेंद्र शेखावत उस मंत्रालय के मंत्री हैं। इंडियाज फर्स्ट ट्रेवलर ड्रोन इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी वरुण। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे पहले तो ये है कि जो ड्रोन है वो किस फिलोसफी पर पॉलिसी पर काम करता है? UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें मैन के बिना ये ट्रेवल आउट करता है। पर अब एक वरुण ड्रोन का उद्घाटन किया गया है जो 130 kg के आसपास पर्सन को भी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहुंचा सकता है। तो उसका क्या नाम है? वरुण। नाम याद रखना, वरुण। और इंडिया का पहला राज्य जिन्होंने अपनी इंडिया की पहली ड्रोन पॉलिसी ओपन आउट की है वो कौन सा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। वर्ल्ड सोलर अवार्ड 2022 टू कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर के द्वारा बहुत सारे सोलर में इनोवेशंस लेकर आई गई हैं, सोलर एनर्जी में इनोवेशंस लेकर आई गई हैं, जो क्लाइमेट चेंज की जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं उसको गेन आउट कर रही हैं इनोवेशंस। तो इसीलिए उनकी ये योगदान के लिए उनको वर्ल्ड सोलर अवार्ड दिया गया है 2022
तू का तू कौशिक राजशेखर। पहले ये इनका जन्म इंडिया में हुआ था पर ही इज फ्रॉम नाउ यूएसए। मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एमपीएक्स और ये अंडमान ओशियन में हुई है और किसके बीच में होती है इंडिया एंड जापान के। और हमारी कौन सी नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस सुकन्या और एक आईएनएस समंदर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सूर्य किरण एक्सरसाइज हमारी किस कंट्री के साथ होती है, तो ये हमारी नेपाल के साथ होती है। धरम गोरजीन एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है, तो ये भी जापान के साथ होती है। संप्रीति एक्सरसाइज ये हमारी बांग्लादेश के साथ। बोंगो सागर एक्सरसाइज ये हमारी बांग्लादेश के साथ होती है। और सिलिनेक्स एक्सरसाइज या मित्र एक्सरसाइज ये तो हमारी श्रीलंका के साथ होती है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप इन यूएसए 2022 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 साल बाद हमारे इंडिया की तरफ से इंडिया के झोली में एक मेडल आया है और वो मेडल नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। आपको पता होगा आई एम ओलंपियन और अ गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस प्रतियोगिता में और कितना भाला फेंककर 88.13 मीटर। और आपको पता होगा कि इस फ्रॉम हरियाणा। अ फर्स्ट वुमेन, अभी तक सिर्फ एकमात्र महिला है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से मेडल जीता हुआ है, अंजू बॉब जॉर्ज। और इन्होंने पेरिस की 2003 में हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 19 साल बाद अब नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर हरियाणा के रहने वालों ने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता, एंडरसन ने जीता। इन्होंने 19.54 दूर भाला फेंका और ही इज फ्रॉम ग्रेनेडा। आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।